मैंने सिर्फ 4 महीने के अंदर 8 से 10 लाख रुपए सिर्फ यूट्यूब पे मूवीज अपलोड करके कमाए हैं। यहाँ पर आप मेरा फरवरी मंथ का यहाँ पर इनकम आप देख सकते हो, 85K व्यूज यहाँ पर है। और यहाँ पर मेरा जो अर्निंग हुई है, टोटल अर्निंग $372 की हुई है। और यहाँ पर जो 1,000 व्यूज का मुझे मिलता है, $4.38 मिलता है इसका जो CPM है। अब आप कहोगे कि YouTube पे अगर अपलोड किए हो तो एडसेंस में अर्निंग होगा, बट यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप अभी इसको पूरा समझ भी नहीं पाओगे कि ये सब हो कैसे रहा है। अब ये सब स्टार्ट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं YouTube को ऐसे ही ब्राउज कर रहा था और मेरे सामने एक वीडियो आया था, तो कोई न्यू मूवी आया था, तो उस वीडियो में बताया था कि इस मूवी को कैसे डाउनलोड करना है। और उस वीडियो में 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज थे। और तो जब मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया तो उस चैनल के जो सब्सक्राइबर थे वो 1,000 से भी कम थे, और उसने एक वीक के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज उसमें आ गए थे। और फिर मैंने उस पर रिसर्च किया इस तरीके से, मतलब फिर बहुत सारे चैनल्स मुझे दिखे जहां पर मतलब ऐसे व्यूज छाप रहे थे, बस किसी भी न्यू मूवी आती थी और उसको डाउनलोड करने के लिए बताते थे और उनके वीडियोज पे भर भर के व्यूज आते थे। और मैंने उस पर थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि भाई इस मार्केट में तो भाई कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, और इतना सारा ट्रैफिक आ रहा है तो क्यों ना इस ट्रैफिक को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और इस ट्रैफिक को मोनेटाइज कर दें। तो मेरे दिमाग में एक प्लान था कि मैं इसको कैसे सब कुछ करूंगा। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि जो ट्रैफिक आ रही है मूवी को डाउनलोड करने के लिए, कोई भी न्यू मूवी आती है तो उसको डाउनलोड करने के लिए, तो क्यों ना उसको मूवी को हम लोग डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दें और वहां पर हम भर भर के एड चलाएं, और उसके बाद उसका भी काम हो जाएगा, मूवी भी डाउनलोड हो जाएगा और हमको एड से अर्निंग भी हो जाएगी। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि अगर आप डायरेक्टली मूवीज को यूट्यूब पे अपलोड करोगे तो आपको तुरंत यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक देगा और आपका जो चैनल है वो डाउन हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे मूवीज अपलोड करके तो नहीं कमा पाओगे क्योंकि चैनल ही डिलीट हो जाएगा, तो मोनेटाइज क्या होगा वो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो पूरा गेम है, जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो कैसे काम करती है। और इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात यह है कि आपकी जो इनकम है फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगी। और इस वीडियो के अंदर यूट्यूब का मैं आपको एडवांस SEO भी सिखा दूंगा, जहां पर आपको कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो वो सर्च रैंक में आने लगेगी और फर्स्ट डे से ही उस पर व्यूज आने लगेगा और ट्रैफिक भी आने लगेगी, जिसको आप मोनेटाइज करके फर्स्ट डे से ही आप इनकम स्टार्ट कर दोगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम बाद में आपको ना आए। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, और एक बार में अगर आपको इस पूरी वीडियो को नहीं देख सकते हो तो 2-3 बार में देखना, पर पूरा देखना, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में कंपटीशन बहुत कम है और पैसे बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसको ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो इसमें आप पैसे नहीं बना पाओगे। और यहां पर हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं जिससे हमें यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दे या फिर उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे, सब कुछ हम लीगली करेंगे। अब मैं आपके लिए इतना वैल्यूएबल कंटेंट बना के दे रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना प्यार दें इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज, हमको न्यू मूवीज को ढूंढना है जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो पॉपुलर हो रही हैं, और ढूंढने के बाद उनको हमको डाउनलोड करना है। अब उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि न्यू मूवीज को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मूवीज तो आप लोग डाउनलोड कर लोगे। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, इसमें हम जो मूवी को डाउनलोड किए हैं उसको एक सर्वर पे भेजेंगे और उसका एक लिंक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है टॉफी शेयर। अब यहाँ पे देखिए वेबसाइट किस तरीके का आएगा, तो यहाँ पर हम मूवी को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए कुछ अपलोड नहीं करना है। अब ये जो वेबसाइट की सबसे खास बात ये है, तभी मैं इसको यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपलोड नहीं करना पड़ता है एंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं लगेगा, तो बहुत अच्छा फीचर है ये। तो यहाँ पे देखिए मूवी को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, एक क्लिक में 1 सेकंड के अंदर अपलोड हो जाएगा और हमको एक लिंक क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे देखिए हम मूवी को जो है सेलेक्ट कर लेंगे अपने फाइल को, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा मूवी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका और यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करके हमको दे दिया है। इस लिंक को हम करेंगे कॉपी। अब देखिए लिंक को मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा जब भी इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा। अब देखिए इस लिंक पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो इसको इस तरीके का एक पेज दिखेगा। देखिए सीधे डाउनलोड का बटन यहाँ पर आएगा, जैसे कोई डाउनलोड पे करेगा और यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं। अब इसको हम मोनेटाइज कैसे करेंगे और इससे इनकम कैसे होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने लिंक को मोनेटाइज करेंगे और उस पर हम एड्स लगाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर हमको अपना एक अकाउंट बनाना रहेगा। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो अपना इनकम दिखाया था वो यहीं से हुआ था सब कुछ। अब देखिए इसके बहुत सारे डुप्लीकेट वेबसाइट्स भी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही जाइएगा, नहीं तो आप किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब जैसे इस तरीके का आएगा तो उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर अपना एक अकाउंट बना लेना है। तो आपको यूजर नेम डालना है, कोई भी अपना नाम डाल सकते हो। अब देखिए हमने यहाँ पर एक यूजर नेम डाल दिया है, उसके बाद आपको एक ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेना है, तो कोई भी पासवर्ड आप डाल दीजिएगा यहाँ पर और उस पासवर्ड को फिर से यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके का आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको लॉग इन करना है, तो उसके बाद इस पे हमको टिक करना है इन दोनों पे, आई एम नॉट रोबोट, और फिर साइन इन करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहीं से हम एड लगाएंगे और अपने जो लिंक है उसको मोनेटाइज करेंगे, उसके बाद यहीं से हमारी इनकम होगी। अब जितने भी उस लिंक पे क्लिक आएगा उसके यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद जितना अर्निंग होगी डेली का वहां पर दिखेगा, महीने का यहाँ पर दिखता है, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा CPM रहेगा वो यहाँ पर दिखेगा।
तो हमारा जो एवरेज सीपीएम रहता है वो $5 के आसपास रहता है, उसका थोड़ा नीचे रहता है। अब देखिए हम अपने लिंक को मोनेटाइज कैसे करेंगे और ऐड कैसे लगाएंगे। ऐड लगाना मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 क्लिक में वो सब कुछ हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक कर देगा ये वेबसाइट। पर उससे पहले सबसे मेन बात जो हमारी अर्निंग होगी वो हम विड्रॉल कैसे कर पाएंगे। देखो विड्रॉल के लिए हम इंडियंस के लिए गूगल पे मतलब यूपीआई से भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट में भी सीधा ला सकते हो। मैं इनका यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ विड्रॉल पे, यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ अगर मैं विड्रॉल के लिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ सेटिंग में जाकर के आपको किस तरीके से अपना जो पेमेंट है उसको आपको सेट करना है। ठीक है, प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर आपका जो नेम वगैरह रहेगा, अपना एड्रेस वड्रेस मैंने पहले से ही फिल कर रखा है, अपना जो जिप कोड है या उसको डाल दीजिएगा, उसके बाद कंट्री स्टेट। अब देखिए विड्रॉल के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, पेपाल मिल जाएगा, पेटीएम मिल जाएगा, इंडियन बैंक ट्रांसफर मिल जाएगा, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, मतलब बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप पेटीएम चलाते हो तो ठीक है, बैंक अकाउंट में अगर आप चाहते हो तो वो भी ठीक है। पर यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक मिनिमम विड्रॉल अमाउंट जो है वहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर आप पेपाल से करोगे तो मिनिमम $5 कर सकते हो और उससे ज्यादा कितना भी कर सकते हो। पेटीएम से अगर करोगे तो आप $1 तक मिनिमम कर सकते हो और मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हो। फोन पे भी $1 है, यूपीआई पे भी $1 है। तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर जो भी आप चलाते होगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने गूगल पे यूज करता हूँ तो गूगल पे से यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर जब आपको विड्रॉल करना रहेगा तो यहाँ पर जो विड्रॉल पे क्लिक करोगे यहाँ पर, उसके बाद आपको जितना भी अमाउंट विड्रॉ करना रहेगा उसके बाद विड्रॉ करोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में या फिर आपने अगर यूपीआई किया होगा तो यूपीआई हो जाएगा। बस कुछ ही देर में, थोड़ा टाइम लगता है, मिनिमम 10 से 12 घंटा लगता है, उसके अंदर ही आ जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो वेबसाइट है वो रियल भी है या फिर फेक। तो देखो मैं इसी से सब कुछ यहाँ पर मैं आपको जो स्टार्टिंग में दिखाया हूँ वहीं से जो मेरा पूरा इनकम हुआ है वो सारी इनकम मेरा विड्रॉल भी हुआ है, जितना भी मैंने आपको दिखाया हूँ। और इस वाले महीने का तो अभी तक मैं नहीं किया हूँ, 100% ये जेन्युइन वेबसाइट है, आपको इस पे घबराने की बात नहीं है। अब देखिए हमको लिंक को मोनेटाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहले जिस भी लिंक को हम यहाँ पर देखिए जो, तो यहाँ से हमने जो लिंक कॉपी किया था टॉफी शेयर वाली वेबसाइट से, उसको क्या करेंगे यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर देखिए न्यू शॉर्ट एंड लिंक का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो लिंक है उसको पेस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए शॉर्ट एंड पे क्लिक करना, और ज्यादा आप छेड़खानी मत कीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट एंड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए एक न्यू लिंक क्रिएट होकर आ गया है, इसको हमको कॉपी करना है। अब ये जो लिंक है ये मोनेटाइज हो गया है, इस पे ऐड चलेंगी, जितना ऐड चलेंगी उतना ज्यादा इनकम होगी, जितना क्लिक्स आएंगे उसी हिसाब से आप हमारा जो है इनकम होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो ट्रैफिक है ना इसी लिंक पे भेजना है, आपको बताता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ट्रैफिक लाने के लिए यूट्यूब का यूज करेंगे, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि अगर हम डायरेक्टली मूवी को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर हमको कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली मूवी को अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वीडियोज अपलोड करना है हमको यूट्यूब पे वो किस टाइप का करनी है और ट्रैफिक कितना आता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पर मैंने हाउ टू डाउनलोड पठान मूवी यहाँ पे मैंने सर्च किया और फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में बताया गया है, 2 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो में बताया गया पठान मूवी को कैसे डाउनलोड करना है और 2 वीक्स के अंदर 1 लाख व्यूज आ गया, यहाँ पर देख सकते हो 100K व्यूज। और यहाँ पे देखिए इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, यहाँ पर देख सकते हो। देखो अगर आप इस टाइप का वीडियो बनाओगे तो बहुत ज्यादा भर भर के ट्रैफिक आने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 वीक्स में 19K व्यूज आ गया, यहाँ पर सब्सक्राइबर आप देख सकते हो 1000 सब्सक्राइबर है यहाँ पर इनके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पठान मूवी डाउनलोड कैसे करें, एंड यहाँ पर देखिए आप लोग 9 डेज के अंदर 70K व्यूज आ गए हैं और यहाँ पर सब्सक्राइबर देखो 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। यहाँ पर देखिए पठान मूवी फुल डाउनलोड लिंक, तो यहाँ पर देखिए 26K व्यूज 2 वीक्स के अंदर, यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर भी इतना कम है। यहाँ पे देखिए 40K व्यूज 14K व्यूज, मतलब व्यूज बहुत सारा आ रहा है यहाँ पे। आपको देखिए हाउ टू डाउनलोड RRR मूवी, अब इस वीडियो पे आप लोग देखिए 1,78,000 व्यूज यहाँ पर देखिए है। तो जब RRR मूवी आई थी तब इन्होंने ये वीडियो बनाई थी। यहाँ पर देखिए इनके सब्सक्राइबर कितना कम है और व्यूज यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब्सक्राइबर कितने कम है और यहाँ पर व्यूज कितने सारे हैं। और आप यहाँ पर शॉर्ट वीडियोज भी बना सकते हो क्योंकि शॉर्ट वीडियोज भी बहुत ज्यादा यहाँ पर चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू डाउनलोड KGF चैप्टर 2। अब जब KGF चैप्टर 2 आया था तो बहुत सारे लोगों ने इस टाइप का भी वीडियो अपलोड किया था, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हिट हुआ था KGF चैप्टर 2, तो इसी वजह से इन लोगों के भी ट्रैफिक आप लोग देखो भर भर के गए होंगे भाई। यहाँ पर देखो मिलियंस में यहाँ पर गए हैं व्यूज, यहाँ पे देख सकते हो 1.3 मिलियन व्यूज गया है और सब्सक्राइबर देख रहे हो आप लोग 10K है। और ये सब्सक्राइबर इतने भी इनके पास नहीं, उन लोगों ने ही सब्सक्राइब किया होगा तब जाकर के 10K हुआ होगा इनका, मतलब ये लोग जब इस वीडियो को अपलोड कर रहे होंगे तो इनका 1000 भी सब्सक्राइबर से भी कम होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 311,000 व्यूज यहाँ पर है और सब्सक्राइबर कितना कम है। तो मतलब यहाँ पे ये जो सर्च होता है ना, और सर्च करने के बाद इनका वीडियो रैंक होता है और उसके बाद वहां से व्यूज आता है। और यहाँ पे देखिए 2,46,000 व्यूज है और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर कितने कम है। आप भी थोड़ा बहुत इस पे रिसर्च कर सकते हो। अब देखिए आपको एक कोई नया यूट्यूब चैनल बना लेना है, उसके बाद कोई अच्छा सा एक नाम रख देना है और उसके बाद एक लोगो लगा देना है, और उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर आपको अपना वीडियो अपलोड करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस पे कॉपीराइट नहीं आएगा, तो देखो इस पे कम बहुत रेयर चांसेस है कि इस पे कॉपीराइट आए क्योंकि यहाँ पर हम मूवी को अपलोड नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम मूवी को डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं तो चांसेस है कॉपीराइट आने के, बट नहीं आते हैं ज्यादातर केसेस में। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो अपलोड कीजिएगा, जैसे ही कोई न्यू मूवी आती है या फिर कोई मूवी पॉपुलर है उसको अभी आप वीडियो बनाकर यहाँ पर डाल सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीडियो अपलोड
कैसे करना है और उसका एसईओ कैसे करना है। अगर जब तक आप एसईओ नहीं करोगे ना, तब तक आपके वीडियोज पे व्यूज नहीं जाएगा। अभी आप लोग देख रहे होगे, अगर आपने कभी भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस पे व्यूज नहीं जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जहां से आपके फर्स्ट डे से ही व्यूज आना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे उस पे व्यूज आते रहेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है तो आप एक न्यू चैनल भी बना सकते हो, यहाँ पर कितना भी चैनल बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं रहता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तब तक आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिक पाओगे। शॉर्ट टर्म में तो आप लोग पैसा बहुत बना लोगे, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको टिकना है तो आपको इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से 2-3 चैनल बना सकते हो, उसके बाद उस पे आप वीडियो को अपलोड करना है। अब आपको वीडियो में क्या बोलना क्या है उसको भी आपको यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। कितने सारे वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ये लोग इस तरीके का मूवी को डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनसे एक आइडिया ले सकते हो कि वीडियो के अंदर कहना क्या है। आप चाहो तो फेस कैम वीडियो भी बना सकते हो, और नहीं चाहो तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बस डाल सकते हो और वॉइस कैम करके, और या फिर आप चाहो तो बिना वॉइस कैम के भी बना सकते हो, टेक्स्ट से उसमें आपको लिख देना है। पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको एक ऐसा वीडियो बना लेना होगा जब आपके लिंक पे कोई क्लिक करे तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, उस मूवी को स्टेप बाय स्टेप आपको उस वीडियो के अंदर उनको समझाना है, ताकि जब भी कोई मूवी को डाउनलोड करने के लिए आए आपके लिंक से तो वो डाउनलोड कर पाए, कहीं और कोई और बटन पे क्लिक कर दे। क्योंकि अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में मूवी को डाउनलोड करने के लिए बताया था तो आप लोग भी देखे होंगे कि कहां कहां पे एड्स चल रहे थे, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पे क्लिक करना रहता है। तो आप एक वीडियो बना करके उस चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, और उसके बाद जो भी नई मूवी आती है उसका आप लोग वीडियो बनाइएगा और उस वीडियो के अंदर उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा, ताकि जब भी कोई आपके लिंक से डाउनलोड करे और उसको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो को देख करके डाउनलोड करे, ताकि उसका मूवी डाउनलोड हो जाए। और तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीडियो को अपलोड कैसे करना है और उसका एसईओ कैसे करना है, ताकि आपको इंस्टेंट व्यूज आए। तो सबसे पहले आपको देखिए कोई भी एक वीडियो बना लेना होगा किसी भी न्यू मूवी पर। आप जो वीडियो बनाएगा वो कम से कम 2 मिनट से ज्यादा ही रहे, मतलब उसके ऊपर ही रहेगा, 2 मिनट से कम ना रहे। क्योंकि अगर आपकी वीडियो 2 मिनट से कम रहेगी तो यूट्यूब आपके वीडियो का जो इंप्रेशन है बहुत कम रखेगा। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही बनाया गया है। अब आपको उस वीडियो को बना लेना है, उसके बाद आपको अपलोड करना है। देखिए अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब अपने चैनल पे, और उसके बाद अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप ये सब काम फोन में कर रहे हो तो आपका सीधा गैलरी खुल गया होगा, तो इस टाइप का नहीं आएगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट फाइल पे करता हूँ, और उसके बाद जो अपना वीडियो था उसको हम सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा वीडियो है, इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए टाइटल लिखने के लिए आ गया, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आ गया, और थंबनेल लगाने के लिए आ गया, और उसके बाद कुछ और भी सेटिंग्स हैं टैग्स वगैरह लगाने के लिए। तो अभी जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अगर आप इस चीज को सही से ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो वीडियो है वो रैंक नहीं करेगा और उस पर व्यूज वगैरह नहीं आएंगे। देखो अगर आपको अपनी वीडियोज पे व्यूज लेके आना है तो उसके लिए आपको एसईओ करना होगा, और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको सही से समझना होगा, तभी आपका जो वीडियो है वो सही से रैंक करेगा। तो अभी मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा उसको आप ढंग से फॉलो कीजिएगा, ओके। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइटल लिखना होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लोगों ने किस टाइप का टाइटल लिखा हुआ है। कोई भी मूवी आता है तो उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद उस मूवी का नाम, उसके बाद डाउनलोड कैसे करें, हाउ टू डाउनलोड टाइप का आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए आप टाइटल में आप लिख सकते हो हाउ टू डाउनलोड, और उसके बाद मूवी का नाम डाल दीजिएगा आप लोग। देखिए पठान मूवी मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो जो मूवी का आपका जो वीडियो होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है। और यही चीज आप हिंदी में भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया पठान मूवी डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सर्च करते हैं। और फिर से यहाँ पे आपको लिखना होगा मूवी का नाम और उसके बाद डाउनलोड लिंक ऐसे। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मूवी का नाम और उसके बाद डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो आपको भी इस टाइप से लिख देना है। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है, ये जो टाइटल है इसको कॉपी करेंगे आप, और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो आप जो भी टाइटल लिखे होंगे इसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करना है, उसको यहाँ पे लिखना है। अब आपके मूवी के रिलेटेड जो टैग्स है उसको लिखना है। अब उसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी एक टूल का यूज कर सकते हो, लाइक बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे आपकी वीडियो का एसईओ करने के लिए, बट बहुत सारे प्रीमियम होते हैं। बट मैं आपको जो पर्सनली यूज करता हूँ उसका नाम है एच सुपर टूल, यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख बता रहा हूँ। बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे बट वो प्रीमियम रहते हैं, बट इसकी खास बात यह है कि बहुत एक्यूरेट है, और दूसरी बात जो खास है ये फ्री है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे इस वेबसाइट के अंदर। तो बेसिकली आपको हमें जो यूज करना है वो YouTube वाला है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो YouTube कीवर्ड टूल, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको एक कीवर्ड डालना है, जिस जिस टॉपिक पे आपका जो वीडियो है उसका एक कीवर्ड डालना है, और उसके बाद हमको उस कीवर्ड पे कितना सर्चेस हो रहा है और उसी से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स हमको मिल जाएंगे, और एक क्लिक के अंदर हम उसको कॉपी भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाउ टू डाउनलोड पठान मूवी, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो आपका जो भी मूवी का नाम है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, यहाँ पे जो आपने टाइटल लिखा था हाउ टू डाउनलोड पठान मूवी, आपका जो भी मूवी होगा उसको यहाँ पे आपको डाल देना है, और फिर हम सर्च करेंगे और हमको ये थोड़ी देर के अंदर पूरा डेटा हमको निकाल के दे देगा। और यहाँ पर हमको डेटा के अंदर ये भी बता देगा कि इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आते हैं और कितना डिफिकल्टी है इसके। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर बहुत सारा कीवर्ड इससे रिलेटेड हमको दे दिया है इसने, हाउ टू डाउनलोड पठान मूवी इन हिंदी, पठान मूवी डाउनलोड लिंक, हाउ टू डाउनलोड पठान मूवी इन तमिल। तो इन सबको हमको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रैंक डिफिकल्टी यहाँ पर दिखा रहा है ना, जो हार्ड कीवर्ड्स हैं यहाँ पे हमको शो कर रहा है, इनसे क्या होगा इस पर अगर आप ये सब कीवर्ड डालोगे तो थोड़ा मुश्किल है इस पर रैंक करना। तो यहाँ पे जो इजी इजी दिख रहा है ना, ये इजी है,
तो इसको अगर आप डालते हो तो यहाँ पर रैंक करना बहुत ज्यादा आसान है। तो ये जो इजी वाले कीवर्ड्स हैं अभी कहाँ पे यूज करना है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, पर उससे पहले क्या करना है आपको इन सभी को कॉपी करना है। यहाँ पे आप एक एक करके ऐसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स रहेंगे उनको सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए सारे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको फिर से थोड़ा सा स्पेस देना है और यहाँ पर हमको 3 हैशटैग्स भी लगाने हैं। इस टाइप का हैशटैग लिखने के बाद आपको मूवी का नाम पहले तो लिखना है जिस भी मूवी का आपका वीडियो है, और दूसरा हैशटैग लगाना है मूवी का नाम लिखना है, उसके आगे लिखना है आपको डाउनलोड, यहाँ पे देखिए पठान मूवी डाउनलोड, और फिर से हैशटैग लगाएंगे, फिर इस टाइप से लिख देंगे पठान मूवी का नाम उसके बाद डाउनलोड लिंक। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने आपको 3 हैशटैग से ज्यादा नहीं लगाने हैं और 3 से कम भी नहीं लगाने हैं, 2, 3 या फिर 4 कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 लगाना, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से जो 3 हैशटैग्स रहते हैं उनको वही मेनली वही रैंक कराता है। अब देखिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लग चुका है, उसके बाद हमारा जो टाइटल भी है वो भी हो चुका है। हमको क्या करना है आपको एक थंबनेल क्रिएट करना है। आपको थंबनेल कैसे आप क्रिएट कर सकते हो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको ये सब छोटी छोटी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए थंबनेल क्रिएट करने के लिए अगर आप फोन में यूज करते हो तो आप पिक्सल लैब का यूज कर सकते हो, पिक्सार्ट का भी आप यूज कर सकते हो, और आप कैनवा का भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको बेसिकली क्या करना है, इन टाइप से आपको थंबनेल बनाना है, ठीक है, जैसे कि आप इनसे एक आइडिया ले सकते हो किस टाइप के लोग बना रखे हैं, और ऐसे ही आपको भी थंबनेल बनाना, ज्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं रहता है। मूवी का जो पोस्टर होता है वो लगा देते हैं और उसके बाद डाउनलोड मूवी डाउनलोड लिंक इस तरीके का लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 720p 820p। तो यहाँ पे इतना तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब नहीं जानते होंगे। चलिए आपको यहाँ पे मैं कैनवा का खोल करके थोड़ा बहुत इसमें आपको बता देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे अपना एक कैनवा का वेबसाइट जब खोलोगे तो इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब थंबनेल बनाने का एक ऑप्शन दे रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो वगैरह भी एडिट कर सकते हो और यूट्यूब का बैनर वगैरह भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम बेसिकली यूट्यूब का थंबनेल बनाने वाले हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और देखिए इस टाइप से हमको थंबनेल बनाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है जिस भी मूवी का उसका अपना एक पोस्टर डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप गूगल पे उस मूवी का नाम सर्च करोगे और इमेजेस में आप जाओगे जब तो यहाँ पर उसका पोस्टर भी आ जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, तो आपके पास अगर पीसी होगा तो, नहीं होगा तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, अपलोड फाइल, और यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है और देखिए ये हो गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने देखिए पोस्टर यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी हमको चेंज करना है थोड़ा सा, और यहाँ पे हमको क्या कर लिखना है इस मूवी का नाम लिखना है बेसिकली, और फिर से आपको गूगल पे सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पे हम डाउनलोड लिंक सर्च करोगे यहाँ पे तो बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे यहाँ पे, तो बेसिकली आपको जो अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसको आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखिए हमने थंबनेल को बना लिया इस टाइप से, अब इसके बाद हमको डाउनलोड करना है इसको। यहाँ पे देखिए शेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा जो थंबनेल है वो डाउनलोड हो जाने का, यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड यहाँ पे हो गया है हमारा थंबनेल। अब उसको क्या करना है इसको यहाँ पे हम लगा देंगे, अपलोड थंबनेल पे क्लिक करेंगे, और जब भी आप एक न्यू चैनल बनाओगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा तभी आप थंबनेल लगा सकते हो। तो आप जब थंबनेल लगाने जाओगे तो वहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए थंबनेल लग चुका है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप से आ रहा है तो हमको क्या करना है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज टैग्स भी लगाना है हमको, तो हम जो टैग्स लगाएंगे वो देखिए हमने जो थंबनेल में यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, इन्हीं को बेसिकली एक एक करके ऊपर से लेकर के, और कम से कम यहाँ पे हम 8 से 10 टैग्स यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है, सबको ऊपर से एक एक करके कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो आप ऐसे ऐसे ही करके आप यहाँ पे 8 से 10 टैग्स आपको लगा देना है। अब यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन में मूवी की डाउनलोड का लिंक देना है जो कि हमने जिसपे एड लगा रखा था, तो जो हमने लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो लिंक यहाँ पे बनाया था ये वाला, इसको कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे मूवी डाउनलोड लिंक लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है हाउ टू डाउनलोड फ्रॉम माई लिंक, और यहाँ पे आपको पता है कि एक लिंक देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है आपको एक वीडियो पहले से बना के रख लेना है कि कोई भी व्यूअर इस लिंक से कैसे आप डाउनलोड कर सकता है मूवी को। तो आपको क्या करना है बेसिकली आपको इस लिंक पे क्लिक करोगे आप, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप बता दीजिएगा कि किस तरीके से आप मूवी को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एड्स शो हो रहे होते हैं उस टाइम पे तो कोई इधर उधर क्लिक कर देंगे और कोई और पेज पे पहुंच जाएंगे, तो इसलिए मूवी को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बाद में वो आपको कहेंगे कि मूवी डाउनलोड नहीं हुआ। तो व्यूअर्स को हमको सही से उनको बताना है कि किस तरीके से वो डाउनलोड कर पाएंगे, तो आपको जैसे आप उस वीडियो में आपको बता करके उस वीडियो को अपलोड कर देना है और उसका लिंक यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक लिंक दे दिया है। अब उसके बाद क्या करना है आपको सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, अब इसको आपको नेक्स्ट करके अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करके आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा, मतलब आप सब कुछ हो चुका है, अब इस पर धीरे धीरे सर्चेस होंगे और उसके बाद हमारा वीडियो रैंक करेगा और फिर धीरे धीरे इस पर व्यूज आएंगे और लोग इस वीडियो को देखेंगे और मूवी को जब उनको डाउनलोड करना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे वो क्लिक करेंगे और इससे हमको क्लिक्स आएंगे और उसके बाद हमको इनकम होगा। अब आपको मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ।
अब इस टाइप से आपको दो तीन चैनल ऐसे ही क्रिएट कर लेना है। अब जैसे कोई भी न्यू मूवी आता है, किसी भी हॉलीवुड का हो या फिर बॉलीवुड का हो या फिर कोई भी वेब सीरीज आता है, तो आपको उस एक वीडियो बना के यहाँ पर बता देना है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपके जो क्लिक्स हैं वो बाहर के कंट्रीज से आएंगे, मतलब जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, तो यहाँ पे आपको जो आपका जो सीपीएम रहेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंडियंस के लिए तो $5 का रहता है, पर बाहर के कंट्रीज के लिए यहाँ पे आपको $10 $15 तक मिलते हैं, $20 तक चला जाता है 1,000 व्यूज का। तो मतलब अगर आपका जो तो मतलब अगर आपको बाहर से ट्रैफिक लेना है तो आपको हॉलीवुड मूवीज पे बनाना पड़ेगा जो बाहर से लोग देखते हैं। तो जैसे कोई भी हॉलीवुड मूवी आती है तो आप उस पर बना सकते हो। तो आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप इनकम कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा उस स्टेप को, ताकि आपको सही से समझ आए। और मेनली आपको जो एसईओ वाला मैंने आपको बता रखा है उसको